अलीगढ़ में एक बार फिर इतिहास रचने वाला है। 20 जुलाई को बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण होगा, यानी कि पौधरोपण का कार्य किया जाएगा। देखिए, हम आपको बता दें 45 लाख के आसपास, यानी कि 45 लाख 28 हजार के आसपास सिर्फ एक ही दिन में पौधरोपण का कार्यक्रम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक स्लोगन दिया गया है, एक पौधा माँ के नाम। ये स्लोगन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। लेकिन नाम क्यों दिया गया है कि जिस तरीके से पर्यावरण बचाने के लिए अपनी माँ की तरह इन पौधों का भी आपको ध्यान रखना है, इसी की वजह से कहा गया है कि एक पौधा माँ के नाम। देखिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अपर मुख्य वन संरक्षक अधिकारी बी प्रभाकर जी, जो कि एक IFS है। सर, आज मतलब 20 तारीख को एक बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण आना है। लेकिन नर्सरी की तस्वीरों में आपको दिखाऊं, ये तमाम नर्सरी, और अलीगढ़ में एक ऐसी नर्सरी नहीं है, इसके अलावा बड़ी तादाद में नर्सरी है, लगभग 23 नर्सरियां हैं, जिसमें से पौध उठने का कार्यक्रम जारी है। और ये बड़ी मात्रा में अब जो है पौध रोपण किया जाएगा, यानी कि इसकी जिम्मेदारी जो मंत्री है, प्रभारी मंत्री अलीगढ़ के, लक्ष्मी नारायण चौधरी जो कि गन्ना विकास मंत्री, और साथ ही साथ में संदीप सिंह जो बेसिक शिक्षा मंत्री है स्वतंत्र प्रभार, वो इसकी जिम्मेदारी करेंगे, यानी कि पौध लगाकर वो इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सर, बात करेंगे, सर एक अलीगढ़ को एक गर्व की बात है, पिछली बार भी अलीगढ़ ने वृक्षारोपण में इतिहास लगाया था, इस बार सर आपके सानिध्य में इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। हाँ, ये है कि इस बार जो है हमारा 20 तारीख को हम लोग जो है 45 लाख जो है लगभग पौधों का रोपण किया जा रहा है। इसमें जो है वन विभाग लगभग 8,61,000 पौधों का रोपण किया जाएगा, और अन्य विभाग हमारा जैसे ग्राम विकास विभाग है, कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, उनके माध्यम से भी, और शिक्षा विभाग बेसिकली, इनके माध्यम से भी हम लोग लगभग जो है 33 लाख पौधों का रोपण करेंगे। और अभी आप देख सकते हैं जो है पौधों का जो है स्वयं जो है सभी डिपार्टमेंट जो है उनको जारी किए गए इंडेंट के हिसाब से जो है पौधा उठाया जा रहा है, और ये सुरक्षित ले जाएंगे, और अभी जहाँ जहाँ गड्ढा कूद गए उसमें रखेंगे। और उस दिन जो है एक ही दिन में सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक ये 12 घंटे में लक्ष्य हासिल करेंगे। सर, एक बड़ा स्लोगन भी इस बार दिया गया कि एक पौधा माँ के नाम। तो सर, माँ तो माँ होती है, जननी कहा जाता है, और वृक्ष एक बड़ी तादाद में आप घटते भी जा रहे हैं, तो लगता है सर पर्यावरण बचाने के लिए एक नई मुहिम सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। नहीं, बहुत अच्छा है जो है, इसके तहत जो है मुख्य उद्देश्य ये है कि जो है हमारे सभी लोग, हम जैसे माँ को ख्याल रखते हैं, पौधा का अगर माँ के नाम पे पौधा लगेगा तो हर आदमी जो है उस पौधे की रक्षा करेगा। इसी उद्देश्य से जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है प्रथम पौधा लगाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, और उसी कार्यक्रम को जो है हम लोग आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार जो है इस बार पूरा प्रदेश में 36,50,00,000 पौध रोपण कराएंगे, और जनपद अलीगढ़ में भी जो है लगभग 45 लाख पौधा का रोपण करेंगे। जियो टैगिंग के मायने क्या रहते हैं, जो जियो टैगिंग होगी उससे क्या देख रेख हो सकती है इन पौधों के लिए? जियो टैगिंग हमारा बेसिकली जो है ये है कि भाई पौधा कहाँ लगा हुआ है, जहाँ पौधा लगा है उस क्षेत्र का जो है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाएगा। और इस बार जो है वन विभाग ने अपना एक ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया हुआ है, प्लांटेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, उसमें ऑलरेडी पॉलीगन जितने भी क्षेत्र का है वो एरिया का जो है हम लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ अपलोड किया हुआ है। और अन्य विभाग जो पौधारोपण करेगा उसको भी जियो टैगिंग के लिए जो है हम लोग एक हरितमय ऐप डेवलप किया है, उस हरितमय ऐप के साथ जो है पौधारोपण के बाद वो संबंधित विभाग जाएगा और उसका फोटो ले लेगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो है हमारा सिस्टम में अपलोड हो जाएगा। इससे ये ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा कि जितने पौध गया है वो पौधों का रोपण हो गया है। बेसिकली ये है कि कभी कभी सब लोग पूछते हैं कि भाई पौधा लग रहा है कि कहाँ लग रहा है, उसकी कौन देख रेख कर रहा है, तो जियो टैगिंग से हम लोगों के जो है ओवर द पीरियड भी हम लोग देख सकते हैं, जो है 6 महीने के बाद फिर उस क्षेत्र में जाके जो है उसका फोटो ले लेंगे तो वो उसका ओवरलैपिंग हो जाएगा। कम से कम सर, इससे एक चीज ये भी आशा रहेगी, जैसे तमाम हमने देखा वृक्षारोपण के अभियान लगातार चलते रहते हैं, लेकिन सर बड़ी तादाद में जो पौधे हैं उनकी देखावाली नहीं हो पाती, रोड के सारे पौधे लगते हैं तो वहाँ पानी की बड़ी समस्या आती है, पानी, हालांकि पूरा मामला नेचर पे ही सर डिपेंड रहता है, तो क्या ये जियो टैगिंग से जो पौध जो लगी है वो सही सलामत आगे रहे, ये भी एक बेसिक फंडा रहेगा? नहीं, वन विभाग जो है अपना सुरक्षा खुद करते हैं, हम लोग जो है इसका लगभग 3 साल तक तो हम लोग अनुरक्षण करते हैं,
इस बार सभी जिला वृक्षारोपण समितियों से जो है निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी विभाग जो है वृक्षारोपण कर रहा है उसकी पूर्ण जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी, सिंचाई की जिम्मेदारी, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उन्हीं के रहेगा और वो समय समय पर उसका रिपोर्ट भी जिला वृक्षारोपण समिति को दे देंगे। सर, पर्यावरण बचाने के लिए जनता से सर कोई अपील करना चाहेंगे? मैं पर्यावरण को बचाने के लिए सभी जनता से अपील करता हूँ कि जो है आगे बढ़कर आइए। अभी सभी आम जनता, हर आदमी एक पौधा जो है लगाकर अपना माँ का की स्मृति में लगाए और जो है उसकी देखभाल करे और हम आगे जाके जो है एक पेड़ जो है, एक वृक्ष जो है पुत्र समान मानते हैं। बराबर। इसलिए जो है मैं अनुरोध करता हूँ सभी जनता 20 तारीख को आगे आए और जहाँ उनको मौका मिले, जहाँ उनको जो है स्पेस मिले, वहाँ जो प्रजाति चाहिए वो विभाग से प्राप्त कर सकते हैं और इसका रोपण करने के अपील करता हूँ। और सर ये भी कहना चाहेंगे कि जिसको वृक्ष नहीं है जिसके पास, तो आसपास, क्योंकि हर गांव में देखा जाता है मोस्टली कुछ दूरियों पर नर्सरियां हैं, वहाँ से भी वृक्ष ले सकते हैं। हाँ, ये जो है वन विभाग के जो हमारा लगभग पूरा जनपद अलीगढ़ में 23 नर्सरी है और एक उद्यान विभाग का भी नर्सरी है, वो लोग वहाँ जाके पौधा प्राप्त कर सकते हैं, वो उनको पौधा मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ में अपर मुख्य वन संरक्षक बी प्रभाकर जी, जिन्होंने साफ तौर से अपील की है क्योंकि अलीगढ़ ने पिछली बार भी इतिहास दोहराया था और इस बार भी अलीगढ़ इतिहास दोहराएगा, यानी कि एक दिन में 45,28,000 के आसपास पौधरोपण होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान होता है, एक बड़ा स्लोगन दिया जा रहा है और जैसे आप अपनी माँ का ख्याल रखते हैं, यानी कि साफ तौर से मुहिम चली जा रही है कि एक पौधा अपनी माँ के नाम, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण बचाने में एक अहम साबित होगा। मैं अपने सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।